कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस ने आज फिर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल उठाया है कि जब अमेरिका जैसा देश कोविड को प्राकृतिक आपदाओं के तहत वर्गीकृत कर सकता है और प्राकृतिक आपदाओं की सभी शर्तें कोविड 19 पर लागू होती हैं, तो मोदी सरकार इसे प्राकृतिक आपदा मानने से क्यों इनकार कर रही है? क्या मोदी सरकार सिर्फ मुआवजे की रकम को बचाने के लिए ऐसा कर रही है? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी तक मृतकों के परिवार के लिए क्या सहयोग किया है और केंद्र सरकार मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देने से क्यों कतरा रही है? पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा वसूली गई एक्साइज ड्यूटी जनता की संपत्ति है। सरकार मृतकों के परिवारों के लिए इस राशि का 10% जो लगभग 40,000 करोड़ रुपया है, अगर सरकार यह भी खर्च नहीं कर सकती तो इस पैसे का क्या फायदा है? कांग्रेस ने सीधा हमला करते हुए कहा कि सरकार को कोविड मुआवजा फंड स्थापित करना चाहिए और मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। पिछले 16 महीनों में देश का हर नागरिक कोरोना महामारी से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार किसी को सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने इसमें ऐसी बातें की जो कोविड में मारे गए लोगों और कोरोना योद्धाओं का अपमान है और इससे कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर किया है। कांग्रेस ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को सहायता राशि की मांग के संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कोरोना पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं का अपमान करार देते हुए सोमवार को कहा कि इस महामारी में अपने प्रियजनों को खोने वाले हर परिवार को 10 लाख की मदद प्रदान की जानी चाहिए। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने मांग की थी कि कोविड मुआवजा कोष स्थापित किया जाए। हमारी मांग है कि तत्काल कोविड मुआवजा कोष स्थापित किया जाए और हर मृतक के परिवार को 10 लाख की मदद की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।